कब आप नेटवर्किंग के बारे में सोचते हो? कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आप अच्छा से नेटवर्किंग कर सकते हो? मुझे जो लगता है कि आप नेटवर्किंग कहीं भी कर सकते हो, आप कोई कंपनी में बैठे हो, कोई ऑफिस में बैठे हो, कोई क्लब में बैठे हो, या फिर प्लेन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप एक नेटवर्क बना सकते हो किसी के साथ। जब मैं नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक इंटेंशनली नेटवर्क में जोड़ने के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि आप अपने सराउंडिंग्स पे, अपने ब्रांड के बारे में, अपने पहचान के बारे में सबसे बात करें, एक नेटवर्क बनाए, सबको बताए कि आप क्या है। यहाँ पर मैं एम्फोसिस कर रहा हूँ कि आप नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी यूज करके आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये पीपल है जो आपको कभी हायर कर सकते हैं, आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, या आपको कोई तरह प्रमोशन दे सकते हैं। तो ये आपके स्ट्रेटेजी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर और भी एक तरीके का लोग है जो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के नेटवर्क पे हो, पर वो हम लोग को सिर्फ एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम लोग के लाइफ पे, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग के लाइफ पे। तो ये लोग जो सेकंड टाइप के हैं, वो हो सकता है कि आपके लाइफ के लिए कोई डिसीजन मेकर ना हो, पर इसको मार्केट के बारे में बहुत पता होता है। ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके फील्ड के रिलेटेड, और आपको डिसीजन मेकिंग करने पे काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। वो लोग मार्केटिंग का ट्रेंड के बारे में काफ़ी पता उनको रहता है, और आपका पोजीशन को इंक्रीज करने पे वो काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक तरह का पीपल होता है जो आप नेटवर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्टिव पीपल होते हैं, वो आपको हमेशा आपके जो ब्रांड है उस पर एनकरेज करेंगे। क्योंकि आपको एक ब्रांड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, आपको धीरे धीरे आपको ब्रांड बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सपोर्टिव नेटवर्क रहे, जो आपको हमेशा कुछ भी दिक्कत हो उस पर आपको सपोर्ट करे। तो जब आप नेटवर्किंग के बारे में सोचते हैं, आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये हमेशा एक विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। इससे दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट होना चाहिए, जरूरी है। नेटवर्किंग एक रिलेशनशिप टूल है, वो आपका पोजीशन को हाईलाइट करता है, आपका पोजीशन का वैल्यू को हाईलाइट करता है, और वो एक अलग तरीका से मार्केट पे स्टैंड होता है जिस तरीका से आपने उसको डिजाइन किया है। तो मैं आपको आज 3 स्टेप बताऊंगा जिससे आप इंटेंशनली जो आप अपने नेटवर्क बढ़ाओगे वो कैसे कर सकते हैं। पहला, कि आप खुद को एक रिसोर्स बनाएं। आप पता करिए कहाँ पे आप नेटवर्क बना सकते हैं, और लोग से ज़्यादा इंटरेक्ट करिए। और हमेशा नेटवर्क बनाने के लिए आप इससे ऐसे समय नेटवर्क बनाइए जिससे आपको हेल्प मिले, पर उससे भी नेटवर्क बनाए जिसको आप हेल्प कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और किसी को आप हेल्प करिए, और उसके लिए आप कोई उसी से चार्ज मत करिए। और इस तरीका से जो नेटवर्क आप क्रिएट करेंगे उसको लगेगा कि आप उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आपके साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आप अपने नेटवर्क के साथ हमेशा कनेक्टेड मत रहिए। नेटवर्क ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम एक्टिविटी है, आपको हमेशा उसके साथ कनेक्शन बनाए रखना पड़ता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो कि आप हमेशा एक जेन्युइन बने रहिए। जेन्युइन रहना बहुत जरूरी है क्रिटिकल नेटवर्किंग के लिए। अगर आप शो करोगे कि आप ह्यूमन हो, आप रियल, आपका होप है, आपका ड्रीम्स है, तो और आपके पास सवाल है, क्वेश्चंस है, तो फिर लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे नेटवर्क में जुड़ेंगे, वो आपका जर्नी पे आपको हमेशा हेल्प करेंगे। पर अगर लोग को लगा कि नहीं आप फेक हो, आप उनको सस्पेक्ट हुआ कि आप सही नहीं करते हो, या फिर फेक नेटवर्क बना रहे हो, तो आपका हेल्प कभी नहीं वो करेंगे, आपके साथ कनेक्शन नहीं बनेंगे। सो अपना ऑथेंटिकेशन आप सबको दिखाएं, और अपना नेटवर्क बनाने में हेल्प करें, और आपका करियर डेवलप करने पर आप अपने आप को हेल्प करें।